अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस्लामियात बराए जमात दाहम, आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। आज का हमारा टॉपिक है सूरह अहज़ाब आयात नंबर 38-40। तो हम सबसे पहले आयात नंबर 38-40 की तिलावत करते हैं। स्टूडेंट्स, आयात नंबर 38-40 की हमने तिलावत की। अब हम तर्जमे की तरफ आते हैं। पैगंबर पर इस काम में कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने इनके लिए मुकरर कर दिया है, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं इनमें भी अल्लाह का यही दस्तूर रहा है और अल्लाह का हुक्म ठहर चुका है, और जो अल्लाह का पैगाम जूं का तूं पहुँचाते हैं और इससे डरते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और अल्लाह हिसाब करने को काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत मोहर यानी इसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ है। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि वजाहत तलब हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि जो अल्लाह का पैगाम जू का तू पहुँचाते हैं और इससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यह आयत मुबारक भी नबी करीम सल्लम के हज़रत ज़ैनब से निकाह के सिलसिले के साथ मुंसलिक है। नबी करीम सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह करके जाहिलियत की रस्म को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आप सल्लम को किसी किस्म का मुआशरती खौफ नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे। अल्लाह ताला अपने किसी नबी पर कोई काम फ़र्ज कर दे तो वो होकर रहता है, खास सारी दुनिया इसकी मुखालफत करे। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पैगम्बर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी इसको ख़त्म कर देने वाले हैं। नबी करीम सल्लम ने अपने मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद की मुतलका हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया, तो कुफार ने एतराज़ किया कि मोहम्मद सल्लम ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है, जो कि इस्लाम में भी हराम है। अल्लाह ताला ने वजाहत से फरमाया कि मोहम्मद सल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है।
सल्लम के हकीकी औलाद में से कोई बेटा भी जवानी को नहीं पहुंचा, लिहाजा नबी करीम सल्लम हज़रत जैद के बाप नहीं हैं। जब जब हज़रत जैद रसूल पाक सल्लम के हकीकी बेटे नहीं, तो इसकी मुतलका से निकाह हराम कैसे हो गया? दूसरा एतराज़ यह था कि अगर मुँह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है, तब भी इसकी छोड़ी हुई औरत से निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? इसके जवाब में फरमाया कि आप सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रसूल होने की हैसियत से इन पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि जिस हलाल चीज़ को तुम्हारी रस्मों ने खाम का हराम बना रखा है उसे हलाल कर दिया जाए। मज़ीद तकीद के तौर पर फरमाया कि आप सल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस लिहाज से इनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई कि अगर इनके ज़रिए से इस जाहिलियत की रस्म का खात्मा ना हुआ तो बाद में कौन करेगा? आप सल्लम के बाद कोई और नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।